मेरे को बस ये ऐसे अमित जी जब उसने एक स्ट्रगलिंग के पीरियड में उन जिस तरह की एक पोजीशन से आए, यू नो, ही स्ट्रगल्ड एंड ही वाज अ वेरी स्मॉल मैन एंड ही बिकेम, एंड उनकी जो ऑन द एन रूट में इतने सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, इतने सारे ह्यूमिलेशन, इतने सारे जो भी है, यू नो, इतने सारे लोग उनके देखने का, इंटरेक्ट करने का मौका जो मिला, वो सब एक रिच बैकग्राउंड है उसको। अभिषेक इज बॉर्न टू ए सुपर स्टार, और सिल्वर स्पून लेके पैदा हो गया तो एक अच्छी बड़ी घर है, फादर बड़ा स्टार है, और यू ओनली इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दैट काइंड ऑफ ए थिंग। और अगर वो एक ह्यूमन इमोशन को इतना अच्छा पकड़ सकता है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट प्रॉम्प्टेड मी टू से दैट इज बेटर देन हिज फादर। इट्स नॉट अबाउट कलाकार, इज इवेंचुअली एन एक्टर, जो उसकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, जो उसकी ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पावर है, जो इंस्टेंस देखी है, एक्सपीरियंस किया है, उसी के हिसाब से तो उसके इमोशन बाहर निकलते हैं। सो अमिताभ बच्चन हैज अ ट्रेजर ऑफ दैट कंपेयर टू अभिषेक। सी, अमिताभ बच्चन मेरे ख्याल से इज लाइक द वन एंड ओनली यूनिक पीस, उनको उनके साथ कोई कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इट्स बिकॉज एक स्टार करिश्मा, एक एक्टर, एक पर्सनालिटी, जो उसकी जो वॉइस है, एक्सप्रेशन है, उनकी जो मोर देन एनीथिंग एल्स आई वुड थिंक हिज सेंसिटिविटी ऑन अ पर्सनल लेवल एज ह्यूमन बींग, विच ही मैनेजेस टू गेट इट थ्रू हिज एक्सप्रेशंस सो वेल ऑन हिज बॉडी लैंग्वेज, यू नो। सो यू प्रॉब्ली यू कैन थिंक ऑफ रिप्लेसिंग एनी एक्टर विथ एनी सम अदर एक्टर डिपेंडिंग ऑन द रेंज, बट आई थिंक वंस अमिताभ बच्चन फेस कम्स इन टू माइंड, यू डोंट हैव अ रिप्लेसमेंट।